आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पालक राइस बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी। ये बस 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त चावल की एक डिश आप बना सकते हैं। आप एक वैरायटी रख सकते हैं अपने लंच या डिनर पार्टीज़ में। टिफ़िन के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है और अच्छा ऑप्शन है, तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बंडल पालक ले लिया है, पत्ते आप देख सकते हैं थोड़े छोटे वाले लिए हैं जिससे कि ये आसानी से ब्लांच हो जाए। और जो डंठल होती है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये छोटे पत्तों वाला जो पालक होता है, तो इससे ये काफ़ी आसानी से ब्लेंड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर पालक के पत्तों को डालने के बाद एक उबाल आने तक इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही इनका रंग थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, पानी में उबाल आ जाए, तो तुरंत ही पत्तों को निकाल कर ठंडे पानी में डाल दें। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एकदम आइस्ड चिल्ड वाटर ही लेना है, आप नल का सादा पानी भी ले सकते हैं और पत्तों को तुरंत डाल के उसमें अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कि इनका जो टेम्परेचर है ठंडा हो जाएगा तो पत्ते जो है वो काले नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पत्तों को मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है और अब थोड़ी देर बाद इसे छान कर अलग करके पीस लेना है। यहाँ पर अब मैंने एक भगोने में पानी उबलने के लिए रखा है, साथ ही साथ डाल दूँगी कुछ खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता। इसमें उबाल आने के बाद यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी 300 ग्राम के बराबर बासमती चावल। तो बासमती चावल को करीब 90% तक पका लेना है, पूरा ओवर कुक नहीं करना है, 90% तक इसे पका कर फिर इसे छान कर अलग कर लें। तो यहाँ पर हमारा चावल बनके तैयार हो गया है। आप इसे अपने पसंद के नॉर्मल राइस में भी बना सकते हैं, आप बचे हुए चावल से भी ये डिश तैयार कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है कि आप चावल किस तरीके से बनाकर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चावल में उबाल आ गया है, 90% तक इसे पकाना है और फिर छान कर मैं चावल को अलग कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए पालक भी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसी के साथ डाल दूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ ही साथ हल्के तीखे फ्लेवर के लिए 2 हरी मिर्च डालकर इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। पानी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आसानी से ब्लेंड हो जाएंगे क्योंकि पालक में काफ़ी मॉइस्चर है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने ले लिया है तेल, गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया है, अदरक लहसुन, यहाँ पर मैंने ताज़ा कद्दूकस करके डाला हुआ है, आप चाहें तो इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं, 2 सूखी लाल मिर्च मैंने यहाँ डाल दी है और अब यहाँ पर मैंने 2 बड़ा प्याज इस तरीके से बारीक काट कर ले लिया है। इसे डालकर प्याज को सुनहरा होने तक लो से मीडियम आँच पर पकाना है। प्याज की भुनाई अच्छे से होगी तभी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर प्याज को इस तरीके से लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लें। प्याज भुनने के बाद ये देखिए थोड़े सुनहरे हो गए हैं, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पेस्ट जैसी ना हो जाए। टमाटर को पकने के लिए साथ ही साथ डालना है नमक, तो नमक डाल देने से प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, साथ ही साथ सूखे मसाले भी यहाँ डाल दूंगी जैसे कि धनिया पाउडर। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, यहाँ पर मैं तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ जिससे कि हल्का तीखा फ्लेवर आएगा पालक राइस में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, साथ ही साथ डाल दिया है गरम मसाला। टमाटर को इस तरीके से मैश करते हुए मिक्स कर लें जिससे कि टमाटर एकदम अच्छे से पेस्ट जैसा बन जाए। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी पिसा हुआ पालक का पेस्ट और इसे फिर से तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल ऑलमोस्ट अलग ना होने लगे। यहाँ पर ये देखिए पालक का पेस्ट मैंने डाल दिया है और इसे लो से मीडियम आंच पर पकाना है। सारे मसालों के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पर पकाएं। यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर दूसरे पैन में मैं ले लूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर देसी घी और अब इसमें मैं डाल दूँगी 100 ग्राम पनीर और साथ ही साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने काट कर रखे हुए हैं उसे डालूंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ ऑप्शनल है लेकिन इनसे पालक राइस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। पनीर डालने के बाद इसे आप पालक पनीर राइस भी कह सकते हैं, तो एक नई डिश टोटली बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और पनीर को लगभग साथ साथ ही भूनना है, जैसे ही पनीर का रंग हल्का सुनहरा दिखाई देने लगे तभी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दें और साथ में ही भून लें। तो यहाँ पर आपको 2 बार अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखिए ड्राई फ्रूट्स और पनीर दोनों ही भुने जा चुके हैं, तो अब ये पूरा का पूरा मिक्सचर यहाँ पर पालक वाले पेस्ट में मैं डाल दूँगी। पालक का पेस्ट भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ड्राई हो गया है, बगल से तेल भी आपको छूटता दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा पालक का पेस्ट भी भुनकर तैयार हो गया है।
इतना भुनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मॉइस्चर अगर होगा तो बाद में चावल काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं, और ये जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, चावल हमने सिर्फ 90% पकाया है तो बाकी का 10% ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके अच्छे से पक जाते हैं और एकदम खिला खिला पालक राइस बन के तैयार होगा। आँच को लो से मीडियम फ्लेम पर रखकर ही मसालों को चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, और अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद इसे ढक कर करीब 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि ये जो पूरा मिक्सचर है एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा, चावल में पालक का फ्लेवर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे ये डिश और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर एकदम हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है जिससे कि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। चावल इस समय एकदम डेलिकेट होते हैं क्योंकि ये पके हुए हैं। एक और टिप देना चाहूँगी, जो खड़े मसाले मैंने चावल में डाले हैं पकते हुए, अगर आप बचा हुआ चावल यूज़ कर रहे हैं तो खड़े मसाले जो हैं आप तड़के में यूज़ कर लें, तो इससे फ्लेवर जो है चावल में बिल्कुल वैसे ही आएगा, तो बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि पालक राइस जो है बचे हुए चावल को यूज़ करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए पालक राइस जो है एकदम अच्छी तरीके से पक कर तैयार हो गया है। आप इसे पालक राइस बोलें चाहे पालक पनीर राइस बोलें, दोनों ही केस में ये बहुत ही टेस्टी है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है और बहुत ही चटपटा और फ्लेवरफुल है। तो यहाँ पर अब इसे गर्मा गर्म परोसिए दही के साथ, या रायता बना लें रायते के साथ, प्याज काटकर सैलेड काटकर आप सर्व करें, अचार के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये पालक राइस लगता है और हेल्दी तो है ही क्योंकि पालक है इसमें। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।